फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप इस ब्यूटीफुल ज़िंदगी को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। ये देखिए, ये है मेरा सुंदर सा फॉक्सटेल फर्न का प्लांट। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ग्रीनरी देने वाला प्लांट। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके जो ये पत्ते हैं, फॉक्स के टेल की तरह लगता है शायद इसको, इसलिए इसको फॉक्सटेल फर्न कहा जाता है। ये देखिए, ग्रो करना बहुत आसान और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देता है आपके गार्डन को। ये देखिए, सैंड की अगर मैं बात करूं तो वही मिट्टी, रेत और गोबर की खाद, क्योंकि मैं केमिकल को यूज़ नहीं करती अपने प्लांट्स में। रेयरली कभी ऐसा होता कि जब बहुत मुश्किल आ जाए, मतलब डर लगता है कि प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत मतलब बग्स लग जाते हैं, तभी अगर कभी यूज़ करना पड़ गया। हालांकि उसमें भी मैं मतलब नहीं करती हूँ ये केमिकल्स यूज़। तो आप क्या कर सकते, मतलब मैं तो ज़्यादातर गोबर की खाद, और अगर कुछ कहीं पर कीड़े वीड़े लग गए तो सोपी वाटर का स्प्रे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये देखिए, ये है प्लांट। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी रूट्स। एक रूट मैंने निकाल के देखी रखी हुई, देखिए ये अपनी रूट्स में ये पानी को स्टोर रखता है, इसलिए इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और क्या करता है, ये आसानी से ग्रो करने वाला प्लांट भी। अब मैं दिखा, देखिए ये देखिए इसकी रूट निकली हुई है। देखिए ऐसी रूट्स होती हैं इसकी, ठीक है। आप इसको प्रोपेगेट कैसे कर सकते हैं, जैसे जहाँ से आपको इसको हिस्सों में ब्रेक करने का, देखें इसको पूरा निकाल के, जहाँ से आपको लगे कि यहाँ से प्रोपेगेट हो सकता है, ऐसी रूट्स के साथ मतलब अलग हो सकता है, वहाँ से अलग कर दीजिए और उस प्लांट को दूसरी जगह लगा दीजिए, मतलब उस हिस्से को दूसरी जगह लगा दीजिए। देखिए जैसे मैंने लगाया हुआ है, देखिए, और ये भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। ऐसी रूट्स होती है, इन रूट्स को भी आप बो सकते हैं। ये देखिए मैंने ग्रो करा था, तो ये भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। एक ही प्लांट से दो प्लांट आप कितने भी प्लांट बना सकते हैं इससे। बस जैसे आप कहीं से मतलब क्या करिए, इस प्लांट को पूरा मतलब निकाल के आप देख लीजिए कहाँ से आप इसके दो हिस्से कर सकते हैं, दो या तीन, जहाँ जितने आपको प्लांट्स चाहिए, है ना, फिर दूसरा ग्रो कर जाता है। ऐसी रूट्स होती है इसमें जो अपने अंदर वाटर स्टोर रखती हैं। बहुत ग्रीनरी देता है आपके गार्डन को। ये मेरा ये प्लांट है, मैंने इसी से ग्रो करा था। देखिए कितना सुंदर हो रहा है, इसकी नई नई लीव्स देखिए। और ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके गार्डन को बहुत सुंदर, बहुत ग्रीनरी देता है ये। आप इन रूट से भी ग्रो कर सकते हैं इनको, देखिएगा ऐसी रूट्स होती है इसमें, देखिए। और आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए गमले में भी मैंने किया हुआ है कुछ, ये देखिए इसी प्लांट से ग्रो किया हुआ दूसरा प्लांट। तो अगर आपको कहीं से भी ये इसके बल्ब भी मिल जाते हैं इस तरह के, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इसको लगा के ट्राई कर सकते हैं ग्रो, मतलब ग्रो करने, इसको ट्राई, बिल्कुल ट्राई करिए एक बार अपने। देखिए कितना सुंदर ये लगता है, तो इसकी बहुत बहुत सुंदर होता है बाहर। मैंने एक जगह एक नर्सरी में देखा था, वहाँ तो इतना सुंदर, इतनी मतलब फॉक्स क्या मतलब इतनी बड़ी उसकी टेल हो रही थी, इतने बड़े उसकी पत्तियाँ हो रही थी कि फॉक्स टेल से भी ज़्यादा, फॉक्स की टेल से भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। मुझे नहीं पता था ये प्लांट इतना ग्रो कर सकता है। कभी मुझे मौका लगा तो मैं आपको उस नर्सरी का वो प्लांट भी दिखाऊंगी, हालांकि मेरा थोड़ा छोटा हैवी साइज़ में। देखिए तो आपको अगर कहीं ये प्लांट मिले या इसकी रूट्स मिले तो आप लगा सकते हैं और अपने गार्डन को बहुत ग्रीन और बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। यह है प्यारा सा फॉक्सटेल फर्न का प्लांट। इसी तरह हंसते रहिए, खुश रहिए, आसपास की दुनिया को खुश रखिए। बाय।